Hello guys and welcome to the YouTube channel of Wings Ek Udaan. So let's make it together. Hello guys, welcome to Wings Ek Udaan. तो दोस्तों जैसे कि आप सबको पता ही है कि हमने JKPSC Assistant Instructor का कोर्स धुरीना ऐप में लॉन्च कर दिया है. आप जाके धुरीना ऐप डाउनलोड करें, उस कोर्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हो. बहुत अच्छी पोस्ट है दोस्तों, और सबसे बड़ी बात कि ये MCQs बेस्ड पेपर होगा, ठीक है. और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, जिसमें सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का है दोस्तों. किसका है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज का. इसमें से कम से कम मुझे लग रहा है कि 25-30 क्वेश्चंस भी इससे पूछ सकते हैं, क्योंकि इसी के रिलेटेड आपका क्या है, पोस्ट है, इसी डिपार्टमेंट के रिलेटेड पोस्ट निकाली है कोऑपरेटिव सोसाइटी जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार है. तो सबसे ज्यादा हमें इस पे फोकस रखना है. उसके लिए उमर सर इज देयर, जो MA सोशियोलॉजी है एंड ही इज नेट क्वालिफाइड. और सबसे बड़ी बात, उन्होंने लास्ट ईयर भी UPSC का मेंस लिखा है. तो बड़ी बार KS के उन्होंने 3 बार मेंस लिखे, तो बहुत बार उन्होंने PSC के जो प्रिलिमिनरी एग्जाम्स हैं उनको क्वालिफाई किया है, जिससे उनको MCQs बेस्ड टेस्ट का, एग्जाम का बहुत डीप नॉलेज है. तो साथ में सोशियोलॉजी में कोऑपरेटिव सोसाइटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, सब्जेक्ट रहता है, जिसको बहुत थॉरली पढ़ना पड़ता है अगर आपने सोशियोलॉजी ऑप्शनल रखा. और सोशियोलॉजी में अगर आप क्या कर रहे हैं, MA कर रहे हैं, और सर का ऑप्शनल भी सोशियोलॉजी है, तो ये बेटर इसको जस्टिफाई कर पाएंगे इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को, जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में मेंशन है. शोएब सर पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं JKPSC असिस्टेंट रजिस्ट्रार के कोर्स में, उसके साथ डील कर रहे हैं. और जो मैं सब्जेक्ट्स के साथ डील करूंगा वो रहेगा हिस्ट्री और ज्योग्राफी. हिस्ट्री और ज्योग्राफी. लेकिन दोस्तों हिस्ट्री और ज्योग्राफी मैं सबसे पहले पकड़ूंगा हिस्ट्री, ठीक है. अब जैसे कि आप जानते ही हैं, हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, राइट. तो सबसे पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री को पकड़ेंगे. रीजन क्या है? क्योंकि आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देखोगे, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं. लेकिन हाँ, इसके साथ साथ हमने हिस्ट्री में कुछ एडिशन भी करनी है. वो एडिशन रहेगी करंट अफेयर्स की. अब करंट अफेयर्स की का हिस्ट्री के साथ क्या लेना देना? बहुत सारे बच्चे जो बिगिनर्स हैं उनको बड़ी कंफ्यूजन होगी कि उधर स्पेशली अगर आप देखोगे, स्पेसिफाई किया हुआ है आपके उसमें सिलेबस में कि आपको जनरल नॉलेज, ठीक है, ऑफ करंट अफेयर्स, ठीक है, ये बोला जनरल नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स ऑफ विच सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री मेंशन किया, ज्योग्राफी मेंशन किया, पॉलिटिकल साइंस मेंशन किया है, इकोनॉमिक्स मेंशन की है, और उसके साथ नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज के बारे में बोला है. तो आपको करंट अफेयर की जनरल नॉलेज होनी चाहिए किस सब्जेक्ट को लेके? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स और नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज. अब हिस्ट्री में कैसे करंट अफेयर्स? तो दोस्तों हिस्ट्री का करंट अफेयर अगर आपको मैं बताऊं, तो अभी देखिए रिसेंटली एक चीज हुई है, 3-4 इवेंट्स हैं जो आपकी हिस्ट्री के साथ कनेक्टेड है, जो आपको याद रखने रख रहे, ठीक है. इससे ज्यादा भी मैं पढ़ाऊंगा, अभी मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि हम हिस्ट्री कैसे स्टार्ट करने वाले. तो जैसे कि प्रबुद्धा भारत, बोलते हैं प्रबुद्धा भारत ने रिसेंटली 125th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है. नाउ व्हाट इज प्रबुद्धा भारत? अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको पता चलेगा, मॉडर्न हिस्ट्री में जहां पे हमने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म के बारे में कुछ मूवमेंट्स का जिक्र किया हुआ है, उसी मूवमेंट में एक मूवमेंट आती है जिसका नाम है रामकृष्ण मिशन. क्या नाम है? रामकृष्ण मिशन. इस रामकृष्ण मिशन की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैगजीन थी, और ये मैगजीन इंग्लिश में मंथली मैगजीन थी, ये जो इंग्लिश में निकाली जाती थी. दोस्तों इस मैगजीन के रिलेटेड आपको क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दैट प्रबुद्धा भारत विच among the following magazine is the longest running magazine of the country, country मतलब इंडिया, that is प्रबुद्धा भारत.
दोस्तों प्रबुद्धा भारत इंग्लिश मैगजीन में सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग मैगजीन है। और यह भी आपके साथ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु फाउंडेड, ठीक है, हु वॉज द एडिटर ऑफ दिस मैगजीन। आपको लगेगा कि प्रबुद्धा भारत इज कनेक्टेड टू रामकृष्ण मिशन, तो आप लिख देंगे स्वामी विवेकानंद, बिकॉज स्वामी विवेकानंद वॉज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन। बट आंसर इज रॉन्ग, इसके जो फाउंडर थे ही वॉज नॉट स्वामी विवेकानंद। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रनिंग मैगजीन ऑफ द कंट्री, ठीक है, हुज 125th एनिवर्सरी वॉज सेलिब्रेटेड। तो आंसर क्या रहेगा दोस्तों, प्रबुद्धा भारत। अभी क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है दैट पराक्रम दिवस इज एसोसिएटेड विथ विच फ्रीडम फाइटर। तो आपको पता होना चाहिए जो पराक्रम दिवस है, और यह पराक्रम दिवस है, इट इज एसोसिएटेड विथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और इनका 125th, व्हाट इज पराक्रम दिवस, इट इज बेसिकली द 125th बर्थ एनिवर्सरी जो सेलिब्रेट किए रिसेंटली। तो देखिए कैसे कनेक्टेड है हिस्ट्री के करंट अफेयर्स के साथ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, आपको समझ आ रहा है। अब देखिए यह भी पूछा जा सकता है कि सन 2020 में कौन से ऐसे एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं जिनकी 100th डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी गई। कौन से वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर, आपको पता होना चाहिए, दैट इज बाल गंगाधर तिलक, जिनको लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। 1 अगस्त 1920 को इनकी डेथ हुई थी, ठीक है, और 1 अगस्त 2020 को 100th डेथ एनिवर्सरी क्या करी गई, इनकी ऑब्जर्व करी गई। तो दिस इज हाउ पीएससी कैन आस्क क्वेश्चन ऑफ करंट अफेयर्स रिलेटेड टू हिस्ट्री। ये एक ओवरव्यू था कि इस तरीके से इसको पूछा जाएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। ज्योग्राफी में क्या पूछ सकते हैं, ज्योग्राफी में आपको करंट अफेयर्स बहुत सारे क्वेश्चन, ज्योग्राफी के तो क्वेश्चन आसान, साइक्लोन्स के बारे में, साइक्लोन्स के नाम के बारे में, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। अभी रिसेंटली आपने देखा कितना जबरदस्त तरीके से हिट करा ट्रॉपिकल साइक्लोन आपके महाराष्ट्र वाली साइड में, जहां पे बोनी कपूर, ठीक है, जो श्रीदेवी के क्या है हस्बैंड है, उनका पूरा जो प्रोडक्शन वो था, वेन्यू था, पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। तो वो साइक्लोन का नाम क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन जिसने अभी हिट करा उसका नाम क्या है। व्हाट इज फानी, तो फानी इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो इस तरीके के ज्योग्राफी के रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो रहा है, चले हम आगे। तो दोस्तों करंट अफेयर्स ऑफ हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हम पहले हिस्ट्री पढ़ेंगे, जो एक्चुअल में हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री में मैंने अभी आपको बताया कि हमने 3 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा जो हमारा फोकस रहेगा एंशिएंट मेडिवल पढ़ेंगे, बट ऊपर ऊपर से, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस हमारा रहेगा किस पे, मॉडर्न हिस्ट्री पे, मॉडर्न हिस्ट्री पे, और उसके साथ करंट अफेयर्स, ठीक है, जो भी हिस्ट्री के रिलेटेड होंगे। तो जो अगर पीएससी का एग्जाम अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये थोड़ा हाई लेवल एग्जाम होता है, अगर जेकेएसएसबी का एग्जाम होता है, जेकेएसएसबी के एग्जाम के सिलेबस में सीधा मेंशन करते हैं इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, उस पे सीधा मेंशन किया होता है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। दोस्तों ये इंडियन फ्रीडम मूवमेंट सीधा पढ़ना है, 1857 रिवॉल्ट से आपका 1947 तक खत्म, सॉरी आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है, 1857 रिवॉल्ट से पढ़ा, 1947 में आपका खत्म हो गया। बट अगर यहां पे हिस्ट्री में अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो मॉडर्न हिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे कहां से, एक टॉपिक है जिसका नाम है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। क्या नाम है, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। इस एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में देखेंगे कि यूरोपियंस कैसे इंडिया पहुंचे, और कैसे उन्हीं यूरोपियंस में से एक देश जिसका नाम है ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, उसने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कॉलोनाइज कर दिया। ये है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। और कौन कौन से ऐसे यूरोपियंस थे, यूरोपियन कंट्रीज थी, जिन्होंने इंडिया में आके फैक्ट्री स्टैब्लिश करी, और उनका क्या क्या रोल रहा
इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है, ये हम किसमें पढ़ने वाले, मॉडर्न हिस्ट्री में। तो पहला टॉपिक जो हमारा रहेगा दैट इज व्हाट, दैट इज योर मॉडर्न हिस्ट्री, और सॉरी उसका टॉपिक कौन सा रहेगा, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। दोस्तों आओ चलते हैं हम थोड़ा सा अपने पीडीएफ में जो मैंने स्टडी मटेरियल तैयार किया है। दोस्तों सबसे पहली बात, जो स्टडी मटेरियल तैयार किया है मैंने उसमें जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बोर्ड्स हैं, जैसे तमिलनाडु का बोर्ड है उसकी बुक, बिपिन चंद्रा जो एनसीईआरटी है पुरानी वाली, ओल्ड एनसीईआरटी वो, ठीक है, स्पेक्ट्रम, और कुछ मेरे अपने हैंड रिटन नोट्स। इन चारों को मैंने क्या किया, क्लब किया है और इस जेकेपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के एग्जाम के लिए मैंने इसको तैयार किया, ठीक है। अब अपने नोट्स में चलते हैं, वहां पे हम पढ़ते हैं किसके बारे में, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बोला एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। दोस्तों पहले ही देखते हुए, ठीक है, पहले ही देखते हुए सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, पहला यूरोपियन, ठीक है, किस कंट्री को बिलोंग करता था, और पहला यूरोपियन जिसने सी रूट डिस्कवर किया, ठीक है, इंडिया का सी रूट डिस्कवर किया वो कौन थे, याद ना, वो थे वास्को डी गामा, और ये कौन थे, ये पोर्चुगीज थे। ये पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट यूरोपियन वॉज पोर्चुगीज, जिनका नाम था वास्को डी गामा, जिनको ये क्रेडिट दिया जाता है कि ही वॉज, ठीक है, द मैन बिहाइंड द डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया। अब क्या चट्टी पड़ गई वास्को डी गामा को सी रूट ढूंढने की, क्या इससे पहले किसी भी तरीके से यूरोप, जिसको हम वेस्ट में बोलते हैं या यूरोपियन कंट्रीज को हम वेस्टर्न कंट्रीज में बोलते हैं, जो कनेक्टेड थी किसके साथ, क्या कनेक्टेड थी इंडिया के साथ, ईस्ट के साथ। तो दोस्तों जो पोर्चुगीज, एक तो पहले हम ये भी पढ़ेंगे कि पोर्चुगीज ही क्यों, मतलब यूरोप में स्पेन भी था, पोर्चुगल भी था, और भी बहुत सारी कंट्री थी, ब्रिटेन थे, डच थे, फ्रेंच थे, व्हाई नॉट दे, क्यों पोर्चुगीज ने सी रूट को डिस्कवर किया, ठीक है, और रीजन क्या है पहले हम वो देख लेते हैं। तो दोस्तों देयर आर मेनी रीजंस, बट सबसे इंपॉर्टेंट रीजन आपको मैं अगर बताऊं, दैट इज कैप्चर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल बाय ऑटोमन्स, एक बहुत फेमस एम्पायर था ऑटोमन एम्पायर, ठीक है, उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया, किससे कर लिया, रोमन एम्पायर से, मतलब जो कॉन्स्टेंटिनोपल था इट वॉज कैपिटल ऑफ रोमन एम्पायर व्हिच वॉज कैप्चर्ड बाय ऑटोमन्स इन 1453। अब कॉन्स्टेंटिनोपल कैप्चर करने से हुआ क्या, जो ट्रेड रूट था, ट्रेड रूट मतलब जो लैंड रूट था ट्रेड करने का, जो ईस्ट एशिया मतलब इंडिया, इंडोनेशिया, वहां से स्पाइसेस, सिल्क, कॉटन, हैंडीक्राफ्ट्स, जो लैंड रूट से यहां कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंचते थे और फाइनली जाके पूरे यूरोप में उनको क्या किया जाता, सेल किया जाता मार्केट, और बहुत ज्यादा डिमांड में थे ये। अब इस कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर करने से की वजह से लैंड रूट पूरा डिसरप्ट हो गया, जिससे पूरा ट्रेड में क्या पड़ना स्टार्ट हो गया, इंपैक्ट पड़ना स्टार्ट हो गया, जिसमें जो यूरोपियन कंट्रीज उस वक्त इस ट्रेड में इन्वॉल्व थी उनको बहुत नुकसान होना स्टार्ट हो गया, और अपने नुकसान को नहीं होने देने के लिए व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग, उन्होंने नए नए कार्टोग्राफर्स को इंट्रोड्यूस किया, कार्टोग्राफर जो मैप मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, कार्टोग्राफर्स जो बहुत फेमस नेविगेटर्स थे, शिप बिल्डिंग में बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, जिनका हाथ जबरदस्त था, उनको क्या किया गया, सपोर्ट दिया गया, और उस वक्त सबसे ज्यादा अगर किसी को नेविगेशन में अगर नॉलेज थी वो स्पेन और पोर्चुगल थे। दिस वॉज द रीजन कि पोर्चुगीज और स्पेन ने क्या किया है, बहुत सारी सी रूट को डिस्कवर किया, बिकॉज दे वर वेरी गुड नेविगेटर्स, सबसे ज्यादा उस वक्त यूरोप में इन्हीं को नॉलेज थी, शिप बिल्डिंग में दे वर वेरी परफेक्ट, ठीक है, एट दैट टाइम, तो इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया गया। मैंने क्या बताया, वाइट एक तो देखो लैंड रूट जिससे वो कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर करने के बाद, वो लैंड रूट ऑलरेडी बहुत एक्सपेंसिव ही था,
बहुत एक्सपेंसिव और बहुत ही टेरर एरिया, वहां से ट्रेड करना वॉज नॉट इजी। और यही अगर मैं आपको पीरियड बताऊं 1453 की अगर बात चल रही है तो मैं आपको बताता हूं 14th सेंचुरी से लेके 17th सेंचुरी के पीरियड को हम क्या बोलते हैं, रेनेसांस पीरियड। क्या बोलते हैं? पीरियड ऑफ रिबर्थ, पीरियड ऑफ ग्रोथ। रेनेसांस का मतलब क्या है? रिबर्थ, रिबर्थ और यू कैन से दैट ग्रोथ। ग्रोथ ऑफ व्हाट? ग्रोथ इन द फील्ड ऑफ, ग्रोथ इन द फील्ड ऑफ आर्ट कल्चर। ठीक है, बहुत सारी इन्वेंशंस होना स्टार्ट होगी। प्रिंटिंग प्रेस, प्रेस को क्या किया गया? इन्वेंट किया गया। बहुत सारी मशीन्स को बनाया गया। अच्छा, एग्रीकल्चर में क्रॉप रोटेशन स्टार्ट कर दी। और भी बहुत सारी एग्रीकल्चर में टेक्निक्स, न्यू टेक्निक्स डेवलप होने की वजह से क्या हो गया? एग्रीकल्चर बूम आ गया। अब उसके अलावा आर्ट, कल्चर और लोगों में साइंटिफिक टेंपर आ गया। ह्यूमैनिज्म, ह्यूमैनिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट करा गया। ह्यूमैनिज्म का मतलब यह आ गया कि अब लोगों को यकीन होने लगा कि हर चीज पे डिवाइन पावर काम नहीं करती। कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पे ह्यूमन अगर सोचना स्टार्ट करे, उस पे काम करना स्टार्ट करे, वो चीजें पॉसिबल है। तो हमने क्या कर दिया, ह्यूमंस को बहुत ज्यादा, ह्यूमन ने अपने आप को क्या करना स्टार्ट कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर दी। जैसे उनमें कॉन्फिडेंस आ गया कि दैट दे कैन डिस्कवर दिस, दे कैन इन्वेंट दिस। तो रिनाइसेंस को आप यह भी बोल सकते हैं दैट इट इज ए पीरियड, ठीक है, विच रिवाइव्ड व्हाट? क्लासिकल पीरियड। दोस्तों ये जितनी भी बात मैं कर रहा हूं सब यूरोप में हो रही है। और रिनाइसेंस के टाइम पे आर्ट, कल्चर, फ्रीडम ऑफ थॉट, ठीक है, ह्यूमैनिज्म, इक्वालिटी, इसके साथ साथ लोगों ने बहुत सारी इन्वेंशंस करी जिससे मोटिवेट हुए और इन्होंने स्टार्ट किया ढूंढना क्या, सी रूट। अब सी रूट में ढूंढने के चक्कर में स्पेन और जो पोर्चुगल थे ये सबसे पावरफुल कंट्रीज थी उस टाइम की। तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया, एक ट्रीटी साइन की, जिस ट्रीटी को क्या बोलते हैं, ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसिलस। इन लोगों ने क्या किया, इस ट्रीटी में, इस एग्रीमेंट में इन्होंने वर्ल्ड को बांट दिया। वर्ल्ड को कैसे बांटा? एक ओशन है अटलांटिक ओशन, आपने सुना ही होगा। अटलांटिक ओशन में के बिल्कुल सेंटर से इन्होंने क्या किया, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी और बोला इस इमेजिनरी लाइन के इस साइड वेस्ट में स्पेन क्या करेगा, पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करेगा। जो भी स्पेन, जिसकी डिस्कवरी करेगा, स्पेन के कंट्रोल में आएगा। और अटलांटिक ओशन के ईस्ट में पोर्चुगल को क्या दी जाएगी, फ्रीडम दी जाएगी, क्या करने के लिए, डिस्कवरीज करने के लिए और न्यू मार्केट क्या करने के लिए, बनाने के लिए। तभी अगर आप देखेंगे धरती, अगर ये है तो धरती के वेस्टर्न साइड पे देखेंगे मैक्सिमम आपको देखेंगे लैटिन अमेरिका, आपने सुना होगा या लैंग्वेजेस सुनी होगी, लैटिन लैंग्वेजेस, ठीक है, स्पैनिश बहुत ज्यादा वहां पे बोली जाती है। जैसे आपका स्पेन में, सॉरी, आप अगर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जाएंगे तो आप देखेंगे, क्यों, रीजन क्या है, इसी ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसिलस से, ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसिलस, इस ट्रीटी की वजह से क्या किया स्पेन और पोर्चुगल ने, दुनिया को आपस में डिवाइड, दो हिस्सों में डिवाइड कर देगी। अटलांटिक ओशन के सेंटर से इमेजिनरी लाइन ली और बोला उसके वेस्ट में स्पेन का कंट्रोल रहेगा, उसके ईस्ट में किसका रहेगा, पोर्चुगल का कंट्रोल रहेगा। तो पोर्चुगल ने क्या किया, पोर्चुगल ने, अगर ये देखिए, ये मैं ऐसे बना रहा हूं थोड़ा सा, ये मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी के ऊपर आपको यूरोप कॉन्टिनेंट मिलेगा और मेडिटेरेनियन सी के साउथ में आपको क्या मिलेगा, कॉन्टिनेंट मिलेगा, उसका नाम है अफ्रीका। क्या नाम है? अफ्रीका, अफ्रीका, ठीक है दोस्तों। अब यहां पे आपको क्या मिलेगा, फिर इंडिया मिलेगा, मतलब इंडिया कौन से, एशिया कॉन्टिनेंट में आ गया। तो अब पोर्चुगल ने यहां से क्या करा, पोर्चुगीज ने, वास्को डगामा ने अपने साथ तीन और शिप्स को लिया, ठीक है, और निकल के क्या करने के लिए, सीरू ढूंढने के लिए। फाइनली ही रीच्ड वेयर, हियर द सदर्न टिप ऑफ व्हाट, अफ्रीका, जिसको हम क्या बोलते हैं, केप ऑफ गुड होप भी बोलते हैं, है ना, केप ऑफ गुड होप भी बोलते हैं। यहां से कुछ इंडियन मर्चेंट्स यहां पे आए थे
जिन्होंने इनको क्या किया, आगे रास्ता बताया। तो ऑलमोस्ट 2 साल जब पोर्चुगल से निकले थे, उसके 2 साल के बाद फाइनली वास्को डी गामा रीच्ड वेयर कलिकत। कलिकत आजकल के टाइम पे कहां पे है, केरला में। केरला में कोझिकोड को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, कोझिकोड को बोला जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नोट्स में और अपने नोट्स में पढ़ते हैं। Hello everyone and welcome to Wings Day Quran. There is an important announcement for all the PSC assistant registrar aspirants. Wings आपके लिए लेके आया है mentoring cum coaching course. यानी जो भी बच्चा हमारा कोर्स सब्सक्राइब करेगा उसको एक मेंटर के थ्रू गाइड किया जाएगा। गाइस, मेंटरिंग का मतलब कि आपको एक पर्टिकुलर फैकल्टी मेंबर प्रॉपरली गाइड करता रहेगा थ्रू आउट द प्रिपरेशन। उसके साथ साथ वीडियो कोर्स, स्टडी मटेरियल, एमसीक्यू सेशंस, ऑल विल बी इंक्लूडेड इन दिस कोर्स। गाइस, फैकल्टी मेंबर्स सारे वही होंगे जो पीएससी और यूपीएससी के एग्जाम्स को ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, जिन्होंने मेंस लिख रखा है, जो इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच चुके हैं। So all those people who are guiding you have already been through this exam. ये कोर्स विंग्स लेकर आ रहा है नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी ऐप पे, दुरीना ऐप। कोर्स में पढ़ते हैं। I hope अभी तक आपको चीजें समझ आई हैं। तो दोस्तों, एक और चीज मैं आपको बताऊंगा। The first European, जो इंडिया Europeans, first country, European country जो इंडिया में पहुंची, that was Portuguese. उसके बाद बहुत सारी और भी कंट्रीज ने क्या किया, प्राइवेट कंपनीज बनाई और कंपनीज के थ्रू इंडिया में बहुत सारी फैक्ट्री एस्टैब्लिश करी। उसमें डच भी थे, डच नीदरलैंड के लोग हो गए, ठीक है, फ्रेंच थे और ब्रिटेन के लोग, जिसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भी पोर्चुगीज के बाद पहुंची। तो पहले यूरोपियन जो इंडिया में पहुंचे वो कौन थे, पोर्चुगीज। एंड पोर्चुगीज ही सबसे लास्ट थे जिन्होंने इंडिया को छोड़ा 1961 में, जब क्या किया, इंडिया ने गोवा, दमन एंड दीव इनसे कैप्चर करा, लड़ाई हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। तो पोर्चुगीज पहले यूरोपियन थे और लास्ट यूरोपियन थे, क्या करने के लिए, इंडिया छोड़ने के लिए और आने के लिए, ठीक है। अब देखिए क्या बोलते हैं कि बैकग्राउंड क्या है वास्को डी गामा का अराइवल का इंडिया में, क्यों आया, क्योंकि क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड थी किसकी, स्पाइसेस। अच्छा, उस वक्त अगर मैं आपको बताऊं, एक सिल्क था, मसलिन सिल्क, उसकी बहुत ज्यादा डिमांड होती यूरोप में, जो इंडिया में पाया जाता था। अच्छा, इंडिया के हैंडीक्राफ्ट्स बहुत फेमस थे, उनकी बहुत ज्यादा डिमांड थी यूरोप को, और यही चीजें यूरोपियंस को यहां तक खींच के लाई थी। अब जब वास्को डी गामा इंडिया पहुंचा, ठीक है, तो देखिए क्या हुआ। मैंने अभी आपको बताया कि जो लैंड जर्नी है, ठीक है, ये बहुत एक्सपेंसिव थी, और दूसरा, जब कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर करा ऑटोमन एम्पायर ने, तो इससे क्या हो गया, ट्रेड में बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा, ठीक है। अब जो डायरेक्ट ट्रेड रूट जो इंडिया को था, ठीक है, वो ही अब एक बेटर ऑप्शन था किसके लिए, यूरोपियंस के लिए, ठीक है, जो इनको बेनिफिट दे सकता है ट्रेड में। सो दे स्टार्टेड डिस्कवरिंग सी रूट टू इंडिया, ठीक है। अब उसके बाद जब ये चीजें चलना स्टार्ट हुई, तो याद रखिएगा, किंग मैनुअल, जो पोर्चुगल के किंग थे, किंग मैनुअल फर्स्ट, इन्होंने क्या किया, वास्को डी गामा को अपॉइंट किया, ठीक है, और इनको एक्सपीडिशन लीडर बनाया कि आप जाओ और क्या करो, इंडिया ढूंढो, ठीक है। एंड ही वॉज, वास्को डी गामा वॉज अपॉइंटेड एज द कैप्टन ऑफ अर्माडा। दोस्तों, व्हाट इज अर्माडा, तो अर्माडा आप याद रखना, फ्लीट्स। फ्लीट्स मतलब क्या गया, ऐसे तो आप सुनोगे फ्लीट्स ऑफ वॉरशिप, तो आप याद रखो ग्रुप ऑफ शिप्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ शिप्स दी गई किसको, वास्को डी गामा को, और उसको कैप्टन बनाया गया, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप जाके क्या ढूंढे, लैंड रूट, सी रूट ढूंढे इंडिया को, ठीक है। अब बोलते हैं एक्सपीडिशन जो थी, सी एक्सपीडिशन, इट कंप्राइज ऑफ हाउ मेनी शिप्स, 4 ships अपने साथ ले गया वास्को डी गामा 170 लोगों के साथ, ठीक है। और जिस शिप का इसको कैप्टन बनाया गया, जिस शिप में खुद ये थे, उसको क्या बोला, सौ गैब्रियल। सौ गैब्रियल वॉज द नेम ऑफ शिप, ठीक है, ऑफ वास्को डी गामा, याद रहेगा, समझ गए यार। उसके अलावा और कौन कौन सी शिप्स थी जिनका नाम क्या था, साओ राफेल और बेरियो, इट वॉज द नेम ऑफ शिप्स जो किसके साथ जा रही थी, वास्को डी गामा के साथ जा रही थी। देखो,
बोलते हैं ये लिस्बन, लिस्बन इज ए कैपिटल ऑफ पोर्चुगल, लिस्बन से ये निकले 8 जुलाई 1497 को, 1497 को, ठीक है। और 20 मई 1498 को, लगभग 2 सालों के बाद भाई ये कहां पहुंचे, वेस्टर्न वास्को डी गामा कहां पहुंचा, कोझिकोड, कलिकत। आप मॉडर्न हिस्ट्री में सुनेंगे कलिकत, तो कलिकत से बंदा कंफ्यूज हो जाए, कोई कोई कलिकत को समझता बंगाल के कलकत्ता की बात हो रही है, कोलकाता की बात हो रही है, नहीं जी, ये कलिकत जो है वो आज के टाइम पे केरला में किसको बोला जाता है, कोझिकोड को बोला जाता है, ठीक है। वहां पे वास्को डी गामा पहुंचा, ठीक है, कब, 1498, ये याद रखिएगा। अब ठीक है, ये पहली बार था, 20 मई 1498, ये पहली बार था कि यूरोपियंस इंडिया में पहुंचे थे, ठीक है। और सी रूट की डिस्कवरी का क्रेडिट किसको दिया जाता है, वास्को डी गामा को दिया जाता है। मेरी बात क्लियर होगी, जब ये कलिकत पहुंचे जिसको कोझिकोड बोलते हैं, उस वक्त कोझिकोड किस राजा के किंगडम के कंट्रोल में थी, एंड इट वॉज ए पार्ट ऑफ व्हाट, जैमोरिन, जैमोरिन जो किस, कौन सा राजा, समुथरी राजा था, ठीक है, जो जैमोरिन उसके कंट्रोल में था कलिकत। फाइनली पोर्चुगीज ने नेगोशिएट किया कि हम यहां से इतनी दूर आए हैं, आपका इंडिया का बहुत सारे स्पाइसीज, हैंडीक्राफ्ट हमारे यूरोप में डिमांड है, तो वी वांट कि हम यहाँ पे फैक्ट्री एस्टैब्लिश करें, ठीक है, हम भी कुछ क्या करें यहाँ पे प्रोड्यूस करें और आप लोगों के साथ ट्रेड कर पाए। तो फाइनली पोर्चुगीज ने नेगोशिएट करा और जैमोरिन ने इनको अलाउ किया, कलिकत में इन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री एस्टैब्लिश करी 1500 में, ठीक है। उसके बाद वास्को डी गामा ने एक और फैक्ट्री कहां एस्टैब्लिश करी, कैननोर में, कहां एस्टैब्लिश करी, कैननोर में। अब नेक्स्ट, कलिकत, कैननोर और कोचीन, ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर से पोर्चुगीज का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, नेम द इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स, ठीक है, ऑफ पोर्चुगीज, या इनमें से कौन से इंपॉर्टेंट पोर्चुगीज सेंटर थे इंडिया में, तो वो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन कौन से, कलिकत, कैननोर और कोचीन, दीज वर द इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स ऑफ पोर्चुगीज। फाइनली पोर्चुगीज का कंट्रोल ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हुआ कहां पे, इंडिया में। तो जो पोर्चुगल था जो यूरोप में, दे डिसाइडेड कि व्हाट दे विल डू, कि सारी एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको देखने के लिए एक बंदे को अपॉइंट करें एज अ गवर्नर, ठीक है। तो 1505 में जो पोर्चुगल के किंग थे, उन्होंने पहला पोर्चुगीज गवर्नर इंडिया में जिनको अपॉइंट किया, उनका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो दोस्तों याद रखना, हु वाज फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ही वाज द फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर इन इंडिया, याद रखिएगा आप, ठीक है, इसको अपॉइंट किसने किया था, किंग ऑफ पोर्चुगल ने। यू गॉट माय पॉइंट। अब देखिए, उसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की पॉलिसी को क्या बोला जाता था, ब्लू वाटर पॉलिसी। दोस्तों ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब क्या था, कि ये चाहता था, देखो जब ये पोर्चुगीज इंडिया में पहुंचे तो ऑलरेडी ट्रेड चलता था और ट्रेड में मैक्सिमम अरब्स थे, ठीक है, अरब्स मर्चेंट्स थे और भी बहुत सारे लोग ट्रेड करते थे, और इंडियन ओशन में स्पेशली पर्शियन गल्फ, रेड सी की अगर मैं बात करूं, यहां पे सबसे ज्यादा कंट्रोल किसका था, अरब्स का था। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का हमेशा एक मोटो था कि मैं क्या करूं कि पोर्चुगीज को क्या कर दूं, सुपर पावरफुल बना दूं, कहां पे, इंडियन ओशन में, ताकि इंडियन ओशन का कंट्रोल क्या हो जाए, कहां हो जाए। इसका विजन क्या था कि सुपर पावरफुल क्या कर दे, हम इसको बना दे, कंट्री बना दे पोर्चुगल को, किसका, इंडियन ओशन का, इंडियन ओशन का पूरा कंट्रोल होना चाहिए। और इस पॉलिसी को उसको क्या बोला गया, ब्लू वाटर पॉलिसी, क्या बोला गया, ब्लू वाटर पॉलिसी। 1507 में, ठीक है, एक नेवल बैटल हुई, ठीक है, इसको बैटल ऑफ दियू भी बोलते हैं, जहां पे पोर्चुगीज को क्या कर दिया गया था, डिफीट कर दिया गया था, हरा दिया गया था, ठीक है। वो किसके टाइम पे हुआ, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के टाइम पे हुआ, ठीक है। अब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को एज अ गवर्नर ऑफ, एज अ पोर्चुगीज गवर्नर इन इंडिया किसने रिप्लेस करा, अल्फोंसो डी एल्बुकर्की। अब एल्बुकर्की क्या बन गया, अब एल्बुकर्की क्या बन गया, पोर्चुगीज गवर्नर बन गया इंडिया का। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको इसमें याद रखना है,
कि इसको बोला जाता है ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर इन ईस्ट, याद रखना, और उसमें इंडिया भी आता है, ठीक है। अगर किसी ने पोर्चुगीज पावर का जो पावर को क्या किया, स्ट्रेंथन किया ईस्ट एशिया में, वो कौन था भाई आपका, अल्फोंसो डी अल्बुकर्की, जिसने किसको रिप्लेस किया था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को रिप्लेस किया था, ठीक है दोस्तों। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच पोर्चुगीज गवर्नर एबॉलिश्ड सती सिस्टम, तो आंसर रहेगा अल्फोंसो डी अल्बुकर्की, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब ये भी याद रखना कि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई किस पोर्चुगीज गवर्नर ने गोवा कैप्चर किया था फ्रॉम सुल्तान ऑफ बीजापुर, तो वो कौन थे, अल्फोंसो डी अल्बुकर्की, जिन्हें 1510 में गोवा को कैप्चर कर लिया था, किससे, सुल्तान ऑफ बीजापुर। और ये बेसिकली इन्होंने और क्या किया, देखो ये लाइन जो है, ठीक है, इट इज फ्रॉम स्पेक्ट्रम, दिस लाइन इज फ्रॉम स्पेक्ट्रम, तो ही एनकरेज पोर्चुगीज मैन टू मैरी इंडियन वुमेन। ये सिर्फ यहां पे ट्रेड करने नहीं आए थे, अल्फोंसो डी अल्बुकर्की ने क्या किया, जितने भी पोर्चुगीज मैन थे उनको यहां पे बोला, ये यहां पे रहने आए थे, और यहां पे इन्होंने बहुत सारी क्या करा, इंडियन वुमेन के साथ मैरिज करे और यहीं पे सेटल हो गए। तो ये कन्विंस करने का काम किसका रहा था, अल्फोंसो डी अल्बुकर्की का, पोर्चुगीज मैन को, कि वो शादी करे किसके साथ, इंडियन वुमेन के साथ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब अल्फोंसो डी अल्बुकर्की के बाद कौन आया, नीनो डा कुना, कौन आया, नीनो डा कुना। दोस्तों नीनो डा कुना कौन था, ही वॉज द नेक्स्ट गवर्नर, पोर्चुगीज गवर्नर, ठीक है। और इसने क्या किया, पहले क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अर्लियर विच वॉज द कैपिटल ऑफ पोर्चुगीज, तो याद रखना कोचीन थी, लेकिन कोचीन कैपिटल को शिफ्ट करके पोर्चुगीज कैपिटल कहां ले गए, गोवा में, लेने वाला कौन था, नीनो डा कुना, याद रहेगा। और ये गोवा किसने कैप्चर किया था, अल्फोंसो डी अल्बुकर्की, किससे, सुल्तान ऑफ बीजापुर से 1510 में, याद रहेगा ना, चलिए आगे, ठीक है। अब उसके बाद बोलते हैं इसके टाइम पे आप यही याद करो, नीनो डा कुना के टाइम पे, कि इसने क्या किया था, गोवा को कैपिटल बना दिया था, ठीक है, कोचीन से शिफ्ट करके। अब इनके बाद जो इंपॉर्टेंट गवर्नर आए उनका नाम था मार्टिन अल्फोंसो डी सूजा, तो भूल जाओ, इससे ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन मार्टिन अल्फोंसो डी सूजा का एक चीज याद रखने की जरूरत है कि एक बहुत फेमस सेंट आए थे जिनका नाम था फ्रांसिस्को जेवियर, जो इन्हीं के साथ इंडिया आए थे पहली बार, याद रहेगा, क्लियर है। अब देखिए बॉम्बे किसके पास था, पोर्चुगीज के पास था, लेकिन 1661 को बॉम्बे को एज अ डाउरी दहेज में किसने, पोर्चुगल किंग ने किसको दे दिया था, इंग्लैंड के चार्ल्स सेकंड को, क्यों, क्योंकि उसकी बहन के साथ शादी करने के लिए, ठीक है, आप समझे, चार्ल्स सेकंड ऑफ इंग्लैंड ने किसके साथ शादी करी, किंग ऑफ पोर्चुगल की सिस्टर कैथरीन, उसका नाम क्या था, कैथरीन, याद रखना, क्या नाम था उसका, कैथरीन, आर आई एन ई, उसके साथ शादी करने के लिए किंग ऑफ पोर्चुगल ने क्या करा, डाउरी में बॉम्बे पूरा, एंड एट द टाइम बॉम्बे वॉज गुजरात एंड महाराष्ट्र, पूरा गुजरात और महाराष्ट्र बॉम्बे था, किसको दे दिया दहेज में, चार्ल्स सेकंड ऑफ इंग्लैंड, देखिए जी, ठीक है। अब एक और चीज आपने याद रखनी है, मार्टिन अल्फोंसो डी सूजा के टाइम पे दीव और बेसिन क्या कर लेते हैं, पोर्चुगीज ने एक्वायर कर लिया था, फ्रॉम होम, बहादुर शाह वाज मुगल गवर्नर ऑफ गुजरात, इसे क्या कर लिया, दीव और बेसिन एक्वायर कर लिया था। यहां तक दोस्तों कोई डाउट आपको, पक्का। अब देखिए बोलते हैं पोर्चुगीज ने बहुत सारा कुछ किया, बहुत सारी ट्रेड करा, बट सबसे ज्यादा, ठीक है, पर्टिकुलरली ये किसको, किसकी मोनोपोली थी इनकी, पोर्चुगीज की किस पे ज्यादा मोनोपोली थी, वो था दोस्तों स्पाइस, दे मेड द स्पाइस ट्रेड ए मोनोपोली, स्पाइस पे सबसे ज्यादा पोर्चुगीज का कंट्रोल था, ठीक है, स्पाइस ट्रेड पे, याद रखिए। और इन्होंने इतना बेनिफिट लिया है कि भाई जब यहां से आपके वास्को डी गामा वापिस गए सामान लेके, तो 15 से 20 गुना ज्यादा फायदा हुआ किसको, वास्को डी गामा को,
अब किस तरीके से पोर्चुगीज अपनी एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में चलाते थे हम वही देखते हैं। जो दोस्तों पोर्चुगीज गवर्नर होता था इंडिया का, उसको हेड माना जाता था ऑफ पोर्चुगीज एडमिनिस्ट्रेशन, और इसको 3 साल का टेन्योर के लिए इसको चुना जाता था। मतलब पोर्चुगीज गवर्नर का टेन्योर क्या था, 3 साल का। अब जो इंडिया में जो भी पोर्चुगीज थे जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, वो किसको दी गई थी, विडोडा फजेंडा, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू कलेक्शन, याद रखिएगा। उसके बाद जो भी किले थे किसके, पोर्चुगीज के, वो किसके कंट्रोल में थे, किसके कंट्रोल, उनका हेडक्वार्टर होता है कैप्टन, जो जितने भी पोर्चुगीज के किले होते थे उनको कंट्रोल करता था, और इन कैप्टन की मदद कौन करता था, फैक्टर्स, कौन मदद करता था इनका, फैक्टर्स मदद करता था। अब पोर्चुगीज कैसे डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट, पोर्चुगीज कैसे डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ, जब मराठास केम टू पावर। ठीक है, आपने सुना ही होगा मराठास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या थी, किंगडम रही है कहां की, आपकी साउथ इंडिया की, स्पेशली आपके महाराष्ट्र वाली साइड। मराठास ने क्या किया, एक बैटल हुई बिटवीन पोर्चुगीज एंड मराठा, उस बैटल का नाम है बैटल ऑफ बेसिन, कब हुई, 1739 में। इसमें पोर्चुगीज ने सालसेट और बेसिन खो दिया, और सालसेट और बेसिन किसने कैप्चर कर लिया, किसने कैप्चर कर लिया, मराठास ने। दिस वॉज द सेटबैक टू पोर्चुगीज। इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं तो पोर्चुगीज बहुत बड़े पायरेट्स भी थे, अच्छा ये बहुत बड़े परसिक्यूटर भी थे, अच्छा दे वर वेरी अगेंस्ट मुस्लिम्स। पहले तो शुरू में इन्होंने बहुत सारी परसिक्यूशन किसके खिलाफ करी, मुस्लिम्स के खिलाफ, और फिर बाद में इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, हिंदूज के खिलाफ भी क्या करना स्टार्ट कर दिया, परसिक्यूशन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एंड एक टाइम पे इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज भी लाए यहां पे, क्या करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए इंडियंस को इनटू क्रिश्चियन, हिंदूज मुस्लिम्स। तो पोर्चुगीज सिर्फ ट्रेड तक नहीं, इनको बहुत बड़ा पायरेट्स भी माना जाता है, बहुत सारे जहाज लूट लेते थे ये, ठीक है, बहुत घिनौने काम भी करते थे पोर्चुगीज। तो इससे क्या हुआ कि ये भी एक रीजन था इनके डिक्लाइन का। अब फिर पोर्चुगीज ने ब्राजील को भी डिस्कवर कर लिया, और ब्राजील की डिस्कवरी भी एक रीजन थी कि इन्होंने अपना सारा ट्रेड कहां शिफ्ट कर दिया, ब्राजील की तरफ, और जिसकी वजह से डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया इंडिया में। ठीक है, और याद रखिएगा शाहजहां के टाइम पे, ठीक है, हुगली सीज कर लिया गया, शाहजहां ने क्या किया, मुगल गवर्नर जो बंगाल में मुगल गवर्नर थे जिनका नाम था कासिम खान, इनको क्या बोला, कासिम खान को ऑर्डर दिया कि हुगली कैप्चर कर लिया जाए, किसे, पोर्चुगीज, उनको खदेड़ दिया जाए इंडिया से। तो इस तरीके से पोर्चुगीज की पावर, उनका ट्रेड डिक्लाइन होता गया, बट ट्रेड सेंटर्स चलते रहे, और फाइनली 1961 मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस भी भाई ये यहां पे रहे हैं 1947 के बाद, कैन यू इमेजिन, लगभग 13 से 14 साल इंडिपेंडेंस के बाद भी। और उसके बाद फाइनली क्या हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट ने इनको क्या किया, बाय फोर्स इनको यहां से खदेड़ा और गोवा दमन दीव कैप्चर कराया इनसे। दोस्तों आज का जो हिस्ट्री का टॉपिक है जिसमें एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पढ़ते हैं, पोर्चुगीज हम यही रखेंगे, फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। डू सब्सक्राइब अवर चैनल, हमें सपोर्ट करिए, हमें प्रमोट करिए, हमारे ऐप डाउनलोड करिए और उससे इस कोर्स का एक्सेस